दोस्तों, साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में और क्या इस मूवी की कहानी है। वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDb रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी बेटे द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों, ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ये मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे।
तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग कड़ावर मूवी को कहां से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है, और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था, और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो SCP विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी बैटरी द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा
दोस्तों, अगर आप इसे YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो YouTube पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए, इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मूवी अच्छी ज़रूर लगेगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावेर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है, और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावेर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था, और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे।
तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमलापोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमलापोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की जो कि कैदी बैटरी द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमलापोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो YouTube पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए, इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जानें। क्या अमलापोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमलापुर ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमलापोल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहां पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहां पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली।
वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी की जो मेन सरकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुल्या रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुल्या रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की जो कि कैदी बेटे द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर ये मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।
क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी की जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है और जो हरीश उथनम है वो SCP विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी बेटे द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं। वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है। मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पोल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं
जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावेर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावेर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी की जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है और जो हरीश उथनम है वो SCP विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी वेटर द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है
तो मैं आपको बताऊंगा। पर दोस्तों, इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जानें। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग कड़ावर मूवी को कहां से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो SCP विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी बेटे द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी
कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो YouTube पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए, इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मूवी अच्छी ज़रूर लगेगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है, और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था, और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं।
अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है और जो हरीश उथनम है वो एसीपी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमलापोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमलापोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की जो कि कैदी व्यक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है जो कि यहाँ पर अमलापोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देख कर जाने। क्या अमलापोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमलापुर ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमलापोल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था।
जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी की जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी बेटे द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए, इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जानें। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पोल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को
अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी की जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी वेटर द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है,
मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है। काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावेर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावेर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है और जो हरीश उथनम है वो SCP विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी वेटर द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है
तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देख कर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावेर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है, और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावेर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था, और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मैन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की
जो कि कैदी व्यक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं। तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमलापोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए, इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था, और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल,
अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर चोमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की जो कि कैदी व्यक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पोल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पोल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं,
तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मैन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी बेटे द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जानें। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पोल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं
तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों, साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और यह मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी की जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एसीपी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी वेटर द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया,
इसके पीछे की क्या वजह थी वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जानें। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावेर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावेर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था, जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एसीपी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी बेटरी द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी।
तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहां पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे YouTube पर भी देखना चाहते हैं तो YouTube पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए, इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको यह मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जाने। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पुल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि ये मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं, और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था, और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था, और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मेन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जैसे उसके रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो SCP रोल SCP विशाल के रोल में रहते हैं।
इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमलापोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमलापोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की जो कि कैदी व्यक्ति द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमलापोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर यह मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर यह मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जानें। क्या अमलापोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमलापुर ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमलापोल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में, और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहां पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10/6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है, और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी।
इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी के जो मैन स्टार कास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है, और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है, और जो हरीश उथनम है वो एस सी पी विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी वेटर द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग विज्ञानी के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी? तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है। आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए, इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा, और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देख कर जानें। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है, और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। यह मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पोल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है, काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते, पर मूवी के अंदर अमला पोल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी, और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। दोस्तों साल में बहुत सारी साउथ की मूवीज़ रिलीज़ होती है, और साउथ की मूवीज़ देखने का मज़ा ही कुछ अलग रहता है। वैसे में एक कमाल की मूवी पिछले साल रिलीज़ हुई थी, और आप में से बहुत लोगों ने शायद इस मूवी को अभी तक नहीं देखा होगा, तभी आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं। मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि आप लोग कड़ावीर मूवी को कहाँ से देख पाएंगे हिंदी में,
और क्या इस मूवी की कहानी है, वो सब कुछ आपको वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो नई मूवीज़ आएंगी उनके बारे में जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो साउथ की मूवीज़ आती है उनके बारे में हम आपको यहाँ पर अपडेट्स देते रहते हैं। तो चलिए इस कमाल की मूवी के बारे में बात करते हैं और आपको बताते हैं इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी कहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेंगी। तो कड़ावीर मूवी को 2022 में रिलीज़ किया गया था और ये मूवी हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिली थी। इस मूवी को हिंदी के अंदर रिलीज़ किया गया था। जो IMDB रेटिंग है वहाँ पर 10 out of 6.5 की रेटिंग इस मूवी को मिली हुई है और द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से भी इस मूवी को काफ़ी अच्छी रेटिंग मिली थी। इस मूवी को डायरेक्ट किया था अनूप पंचीकेर ने, जो कि एक बेहतरीन डायरेक्टर रह चुके हैं। इस मूवी को पहले तमिल के अंदर रिलीज़ किया गया था और फिर जाकर ये मूवी हमें हिंदी में देखने को मिली। वैसे इस मूवी की जो रेटिंग है वो काफ़ी अच्छी आई थी। इस मूवी को 80% लोगों ने लाइक भी किया था गूगल की तरफ से। इस मूवी की जो मेन स्टारकास्ट है उसके अंदर आप सभी को अमला पोल, अरुण, हरीश उथनम, अथुलिया रवि, ऋत्विका, वेल्लू, प्रभाकरण, रवि प्रकाश जैसे किरदार मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे, जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। मूवी के अंदर जो अमला पोल है वो यहाँ पर डॉक्टर बंद्रा के रोल में है और वहीं पर जो अथुलिया रवि है वो यहाँ पर एंजल जेसुस के रोल में रहते हैं। अरुण इस मूवी के अंदर बैटरी के रोल में है और जो हरीश उथनम है वो SCP विशाल के रोल में रहते हैं। इस मूवी की कहानी काफ़ी सिंपल रहती है। मैं यहाँ पर इस मूवी का जो मेन प्लॉट है वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, आप इससे ही इस मूवी की जो कहानी है वो समझ जाएंगे। तो मूवी की जो वैसे कहानी है वो पूरी अमला पोल के ऊपर ही दिखाई गई है। इस मूवी के अंदर आपको अमला पोल ही देखने को मिलने वाला है। होता कुछ यूँ है कि इस मूवी के अंदर दो सर्जनों की, जो कि कैदी वेटर द्वारा रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी जाती है, जो यहाँ पर वरुण रहते हैं, तो उसके साथी का जो पता है वो लगाने के लिए जिम्मेदारी जो होती है एक रोग वैज्ञानिक के कंधों पर आ जाती है, जो कि यहाँ पर अमला पोल रहते हैं। अब कैसे वो उनके साथी का पता लगाते हैं वो सब कुछ आपको मूवी के अंदर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं कि ये मूवी कहाँ पर देखने को मिलेंगी, अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो कहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिलेंगी। तो हालांकि दोस्तों ये मूवी ऑफिशियल तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर उपलब्ध है, आप इस मूवी को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर ये मूवी आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी में मिल जाएंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इसे यूट्यूब पर भी देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर यह मूवी अनऑफिशियल उपलब्ध है, पर ये पता नहीं कब हट जाए इसलिए आप अभी देख सकते हैं। अगर इस मूवी का टेलीविज़न प्रीमियर होता है तो वो आपको स्टार गोल्ड पर ही देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से शायद ये मूवी स्टार गोल्ड पर भी आती है, तो आप इस मूवी को टीवी पर भी देख सकते हैं। मूवी की कहानी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो आप इस कमाल की मूवी को एक बार देखिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मूवी अच्छी ज़रूर लगेंगी। आने वाले समय में इस मूवी को अगर ऑफिशियल रिलीज़ किया भी जाता है तो मैं आपको बताऊंगा, पर दोस्तों इसके चांस बहुत ही कम रहते हैं। इस मूवी के अंदर आपको यही जानना है कि जिसने हत्या की थी उसने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे की क्या वजह थी, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखकर जानें। क्या अमला पोल दूसरे साथी का पता लगा पाती या नहीं, वो सब कुछ आप इस मूवी को देखेंगे तो ज़रूर समझ जाएंगे। मूवी की कहानी काफ़ी बेहतरीन है और जैसा मैंने वीडियो में आपको आगे बताया कि साउथ की मूवीज़ का देखने का जो मज़ा होता है वो अलग रहता है। मूवी की डबिंग काफ़ी अच्छी की गई है, मूवी के अंदर आपको गाने नहीं देखने को मिलते हैं। ये मूवी आपको दोस्तों अच्छी लग सकती है अगर आप थ्रिलर क्राइम मूवीज़ देखते हैं। अमला पुल ने यहाँ पर काफ़ी बेहतरीन एक्टिंग की हुई है,
काश उनकी जगह पर कोई और होता तो शायद इतनी बेहतरीन एक्टिंग नहीं कर पाते। पर मूवी के अंदर अमला पॉल ने काफ़ी अच्छा से यहाँ पर अपना किरदार निभाया हुआ है। मूवी के अंदर और भी सारे बहुत सारे किरदार हैं जिन्होंने यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक्टिंग की हुई है। कुल मिलाकर इस मूवी की स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग सब कुछ बेहतरीन है। आप इस कमाल की मूवी को देखे हैं या फिर देखने वाले हैं तो मुझे आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि यह मूवी आपको कैसी लगी। और इस मूवी का अगर दूसरा पार्ट भी आता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा।